Pandey. Bachchan Pandey. Hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, in today's episode, we're going to talk about one player, the most popular player, the player Kumar, Akshay Kumar's film Bachchan Pandey. Well, friends, yesterday, सभी लोगों को पता है बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ बच्चन पांडे में एक नया स्टारकास्ट ऐड हुआ लेकिन गाइस हम जब वीडियो बनाते हैं तो मैं सिर्फ आपको एक स्वीट डिश नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लेटर देता हूं तो आज के एपिसोड में आराम से बैठिएगा मैं आपको बच्चन पांडे के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं ऐसी चीजें जो प्रोड्यूसर या आर्टिकल वालों को अरे पोर्टल वालों को नहीं देते वो चीजें जो हम ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं एंड आपको बताते हैं आकर चलिए गाइस आज का एपिसोड शुरू करते हैं वेल फ्रेंड्स बात करें बच्चन पांडे की तो जब बच्चन पांडे अनाउंस हुई थी एंड एस्पेशली जब लक्ष्मी के डायलॉग सब लोगों ने सुने थे लोगों के दिल बहुत ही धड़क रहे थे कि ये फिल्म कैसे बनेगी क्या होगा इसका क्योंकि इसके डायरेक्टर फराज साम जी है फराज साम जी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली भरोसा रहा नहीं अब किसी का इसीलिए गाइस सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस नहीं सलमान खान के फैंस भी चिंतित थे कि कभी ईद कभी दिवाली एंड बच्चन पांडे का क्या होगा लेकिन गाइस अब जिस तरह से स्टारकास्ट आगे आ रही है सामने दिस इज गोना बी अ मैड राइड गाइस दैट इज गोना बी अक्षय कुमार जैकलिन फर्नांडिस कृति सैनन एंड अरशद वारसी ये आप सभी लोगों को पता है चार लोग इस फिल्म में हैं लेकिन गाइस द सरप्राइज ऑफ देम ऑल वी आर गोइंग टू हैव पंकज त्रिपाठी आल्सो इन दिस फिल्म यस फ्रेंड्स कल ये खबर ब्रेक की खुद इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है साजिद नडियाडवाला उन्होंने खबर ब्रेक की कि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी होने वाले एंड पंकज त्रिपाठी गाइस अब एक नॉर्मल एक्टर नहीं रहे किसी भी फिल्म में पंकज त्रिपाठी का आना उस फिल्म की वैल्यू में चार चांद लगाने के बराबर है एस्पेशली आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द मिर्जापुर सीरीज पंकज त्रिपाठी इज अ बिग नेम राइट नाउ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है ये जो यूट्यूब ऑडियंस है ये पंकज त्रिपाठी को एक्टिंग का भगवान समझती है पंकज त्रिपाठी नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो उनका इस फिल्म में आना इज अ वेरी गुड साइन तो इसीलिए पंकज त्रिपाठी का एडिशन इस फिल्म में चार नहीं पांच चांद लगा देता है नडियाडवाला हमेशा अपनी फिल्म की कास्टिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करता है तो अब इनका फिल्म में आना इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा बोनस होगा वेल फ्रेंड्स इस फिल्म की शूटिंग जो है वो जनवरी के 6 से शुरू होने वाली है इन जैसलमेर गडीसर लेक एंड जैसल कोट ये तीन एरिया फिक्स किए गए हैं बहुत बड़ा एक्शन सीन होने वाला है अब गाइस कृति सैनन इस फिल्म में जर्नलिस्ट बनी है जो कि डायरेक्टर बनना चाहती है अक्षय कुमार इस फिल्म में गैंगस्टर बने हैं जो कि एक्टर बनना चाहते हैं अब गाइस इस फिल्म की शूटिंग जब 6 जनवरी को शुरू होगी तब ये एक वन शॉट स्केड्यूल होगा यानी कि जनवरी से लेके फरवरी मार्च दो महीने तक एग्जैक्टली फुल टू फाइनल शूट खत्म हो जाएगी अब गाइस मिड मार्च यस फ्रेंड्स 15 या 16 मार्च को इस फिल्म का रैप अप अनाउंस किया गया है अब गाइस द मेन न्यूज ये तो सभी लोगों को पता है ये सारी चीजें सब लोगों ने आपको बता दी है अब मैं आपको द मेन न्यूज बताने वाला हूं एंड गाइस द मेन न्यूज इज दैट इस फिल्म में जो म्यूजिक होने वाला है इस फिल्म का वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है मैं किसी और का हूँ फिलहाल के जो म्यूजिक मेकर्स है यस फ्रेंड्स बी प्राक एंड जानी उनके गाने होने वाले इस फिल्म में बहुत सारे गाने इस फिल्म में लेकिन वन ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स आर गोइंग टू बी प्राक एंड जानी ये खबर भी बहुत लोगों को पता हो सकती है लेकिन गाइज अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताने वाला हूँ अरशद वारसी यस फ्रेंड्स अरशद वारसी इस फिल्म में एक स्ट्रगलर का रोल निभाने वाले हैं यस फ्रेंड्स एक स्ट्रगलर जो कि बहुत बड़ा टपोरी है टपोरी एक्टिंग करने के लिए जाना जाता है एंड बहुत ही खराब एक्टर है मुंबई की कहानी होने वाली है अरशद वारसी मुंबई का एक टपोरी स्ट्रगलिंग एक्टर बनने वाला है जो कि बहुत बकवास एक्टिंग करता है मतलब इतनी बकवास एक्टिंग कि अर्जुन कपूर भी शर्मा जाए उसके सामने तो अरशद वारसी का रोल मैं आपको रिवील कर रहा हूँ यहाँ पर उनको एक्टिंग के लिए लाया जाएगा कृति सैनन के साथ उनके दमाल सीन होने वाले हैं कुछ ऑडिशन के सीन्स होंगे बिटवीन कृति सैनन एंड अरशद वारसी जो कि आपको लोटपोट कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं एंड गाइस अरशद वारसी यहाँ पे एक टपोरी का किरदार निभाएगा क्या वाह ये वो फुल मतलब ही विल प्ले स्ट्रगलिंग एक्टर एंड गाइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरशद वारसी एंड कृति सैनन नहीं बल्कि अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार के बीच में भी बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन्स होने वाले हैं यस फ्रेंड्स दोनों के बीच में ऐसी जुगलबंदी होगी क्योंकि गाइस जब फिल्म बनाएंगे एक फिल्म बनाने वाले हैं इन लोग इस फिल्म में यानी फिल्म में फिल्म बनेगी उसमें जो गैंगस्टर अक्षय कुमार जब इस स्ट्रगलर टपोरी एक्टर के साथ मिलेंगे ये एक अलग ही लेवल की स्क्रिप्ट लिखी है इन लोगों ने एंड गाइस अब इसकी स्टारकास्ट देख के इसकी म्यूजिक देख के एंड इसके सीन्स एंड इनके एक्टिंग के बारे में जानकर अब इस फिल्म पे भरोसा जो है
वो बढ़ता जा रहा है कि ये फिल्म नडियाड वाला बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही बड़े स्केल पर बनाएगा। अब बस सब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर फरहाद शमशुद्दीन सामजी। लेट्स सी वो डायरेक्शन किस तरह से करते हैं। ओके गाइस, मैं काफी एक्साइट हो चुका हूँ अब बच्चन पांडे को लेके, अब मेरी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि पंकज त्रिपाठी एंड अर्शद वारसी इज देयर इन द फिल्म एंड अर्शद वारसी का कैरेक्टर जो है फाड़ देगा। बी प्राक का जानी का म्यूजिक इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग दिलवाएगा। क्या कहना आपका बताइए कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।